तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे होगे, आज मैं बाहर आया हूँ, घर के अंदर नहीं हूँ। और मैं आज आपको मिलवाने लाया हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से। बहुत यंग अचीवर है और इससे मिलकर हम लोग फिटनेस जो गोल्स हैं, कैसे स्पोर्ट्स पर्सन से बॉडी बिल्डर के या फिटनेस के या नॉर्मल पीपल के वैरी होते हैं, इस बारे में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होने वाला है इनका आज, तो देखते रहिएगा प्लीज़। एंड बहुत अच्छा मौसम है ये देखिए, एंड मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से मिलवाने के लिए आया हूँ, मेरे साथ हैं अभी हसी। बहुत छोटी एज में काफी कुछ अचीव किया इन्होंने रिसेंटली। अभी डोमेस्टिक टीम है यहाँ पर, मेरी यूरोप के कंट्री के अंदर है, इसकी कंट्री की जो डोमेस्टिक टीम है इसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। एंड मेरे साथ पिछले अराउंड 3 महीने से ट्रेन कर रहे हैं ये, और अभी टीन्स में है अपने, सबसे इंटरेस्टिंग बात है। इनफैक्ट जैसा हमेशा ऐसा होता है कि पर्सनल ट्रेनर्स जो हैं वो अपने क्लाइंट्स के या अपने जो जिनको ट्रेन करते हैं उनके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो मिले थे मुझसे 2-3 महीने पहले कुछ प्रॉब्लम्स के साथ जो इनको आ रही थी, और बात करते करते जब इनको ट्रेन करना शुरू किया तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हम लोग। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है, कई दिन ऐसे होते हैं जो मेरे साथ ट्रेन करते हैं ये। तो आज हम कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हंसी के, साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक स्पोर्ट्समैन जो बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स में है, उनकी नीड्स जो फिटनेस की हैं वो कैसे अलग हैं, और कितना टफ होता है, कितना मुश्किल है इनके रेजिमेंट, इनके शेड्यूल्स। तो मैं अब हंसी से बात करना शुरू करूंगा। आई विल बी मोर ऑफ अ लिसनर ऑल्सो नाउ, एंड लेट्स इंट्रोड्यूस यू टू हंसी। तो कैसा लग रहा है हंसी? ठीक ठाक है, आप सुनाए? ठीक ठाक, बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले सिलेक्शन हुआ जैसे मैंने बताया आपने व्यूअर्स को, इट्स अ मंथ नाउ, इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ, एंड तो कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड था जब सिलेक्शन हुई, तो उसके बाद तो मैंने और ज्यादा अपने आप पे मेहनत करना शुरू कर दी। तो ये समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू अचीव, यू नो। तो आपके जैसे कि जब आपसे मिला तो ये मुझे फील हुआ कि यार हाँ, अभी मैं कर सकता हूँ। और मतलब आपने जब जिस तरह मुझे हेल्प की, मेरी बैक प्रॉब्लम पिछले 2 साल से चलती हुई आ रही है, लेकिन मैं ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला आज तक कि कोई मुझे बता सके राइट वे। हाँ, मैं फिजियो कराता रहा पहले, लेकिन उससे भी मुझे हेल्प नहीं मिली। जो फिर आपका वो डाइट प्लान जो था वो बेस्ट वर्क किया मेरे लिए। जी दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया, जब हसी मेरे पास आया था तो उस टाइम उसकी बैक में बहुत प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया था इसने मेरे को कि मोइन भाई, 1 महीने का टाइम है और मुझे कुछ कराओ आप। इनफैक्ट मैं भी एक बार डरा हुआ था कि पता नहीं अचीव हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और एक क्रिकेटर के लिए, एज आई टोल्ड यू कि क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेटर के लिए उसकी बैक बहुत जरूरी होती है। और जब बैक में प्रॉब्लम मुझे बताई गई तो मुझे लगा कि यार अगर मैं फेल हुआ तो इस बंदे का कैरियर जो है उस पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमने काम करना शुरू किया उसके ऊपर धीरे धीरे, और रिजल्ट्स आने शुरू हुए। तो हाँ, बिल्कुल, जैसे आपने कहा मोहन भाई, जब हम पहले वीक में जिम गया तो मुझे ऑब्वियसली नहीं था, लग रहा नहीं यार इतने कम टाइम में, एक वी ओनली हैड 1 मंथ, सो आई थॉट वी वोंट बी एबल टू डू इट, यू नो। बट जब हमने करना शुरू किया, 1 वीक किया मैंने लोअर बैक की एक्सरसाइज बहुत लाइटली लिया पहले, फिर आपने जो मुझे आइडिया दिया बेंच यूज करने का, वो उसने बहुत हेल्प किया। और जब अभी भी जब मैं कोई भी एक्सरसाइज करता हूँ तो ऑब्वियसली आप मुझे बताते हैं कि बेल्ट यूज करना है, तो उससे मुझे कोई बैक में भी मसला नहीं आता। तो साथ ही साथ हर एक्सरसाइज के बाद मुझे पूछना पड़ता है इससे, मैं अभी भी डरा हुआ रहता हूँ बहुत बार, सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने नहीं बोला इसको। हर एक्सरसाइज के बाद मैं पूछ रहा होता हूँ बैक ठीक है, बैक पर लोड तो नहीं आ रहा। और जैसे ही कोई फीडबैक मिलता है कि बैक पर हल्का लोड आ रहा है तो इमीडिएटली हम लोग मूव करते हैं, चेंज करते हैं। तो जो नॉर्मल बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके रूटीन्स होते हैं वो जो हम हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में चेंज करते हैं। हंसी के लिए, क्योंकि इसका स्पोर्ट्समैन ऐसा कैरियर है, बहुत चीजें हैं, मुझे इसका ऑन द स्पॉट वर्कआउट प्लान चेंज करने पड़ते हैं।
तो वो एक चैलेंज है मेरे लिए भी, बट यस दैट्स वेर यू नो यू लर्न ऑल्सो एंड यू शो योर स्किल्स. तो खैर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मतलब बिल्कुल आई एम लकी कि गॉड ऑल्सो हेल्प अस एंड वी टुक केयर ऑफ द थिंग्स. हाँ, इतने थोड़े टाइम में हम टाइम टाइम लगे देखा जाए तो अभी मुझे जब सीजन शुरू हुआ तो पहले गेम में खेलने लगा तो मुझे मुझे ऑलरेडी डिफरेंस फील हो रहा था. नहीं यार, क्योंकि पिछले साल में जितने भी मैचेस खेला हूँ एवरी मैच पहली बॉल में करता था और मुझे बैक लोअर बैक में पेन शुरू हो जाता था. लेकिन इसमें इसके बाद हमने जब एक एक मंथ किया हमने और उसके बाद जब मैं पहली बॉल फेंकी तो मुझे लग रहा था हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, और जान है. सिलेक्शन टाइम में तो पूरे पूरे दिन खेले, पांच हाँ पांच भाई घंटे, छह छह बिल्कुल बिल्कुल, घंटे छह छह ओवर्स भी घंटे फेंके और बैटिंग भी बैटिंग भी की, फील्डिंग भी फील्ड में की. जंप भी बिल्कुल किए. उसके बाद भी मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा कभी था. मुझे वीडियोस मिलेंगे इसके, कुछ वीडियोस होते हैं शूट किए हुए जंप करने के और कैचेस के प्रैक्टिस के, तो मैं जरूर आपका बिल्कुल शेयर करूंगा अगर हो सका. अगर दिए इसने मुझे, इफ ही विल बी काइंड नहीं इनफ, नहीं आई विल शेयर विद यू दूंगा गाइस. अच्छा, बिल्कुल ऐसा एक दूंगा. बहुत कॉमन क्वेश्चन है या जो मुझे लगता है लोगों के दिमाग में, एक हमें एक एस्टेब्लिश करना चाहिए ये चीज को. जो एक स्पोर्ट्समैन होता है, जैसे क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, हॉकी खेलने वाला बंदा है, या एथलीट है कोई भी किसी तरह का, उसके वर्कआउट्स जो है वो कितने अलग होते हैं एक बॉडी बिल्डर से या एक फिटनेस मॉडल से, जैसे उन हम लोग जिम में हम लोग भी देखते हैं एक्सरसाइज करते हुए उनको, उनसे कितने अलग होते हैं हमारे शेड्यूल्स. जस्ट फॉर आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम योर यू नो माउथ फॉर द ऑडियंस. हाँ बिल्कुल. लेकिन अगर देखा जाए तो हर ऑब्वियसली हर बंदे के डिफरेंट गोल्स होते हैं. तो बॉडी बिल्डर्स वो हैवी लिफ्टिंग करते हैं, लेस रेप्स करते हैं एंड उनके साथ अगर हमारी ट्रेनिंग को देखा जाए तो हम लाइट लेते हैं, लाइट ट्रेनिंग करते हैं और उसमें मोर रेप्स हम करते हैं. साथ ही हम लोग और चीजें करते हैं जिनसे कि हमारा फोकस बढ़े, बिल्कुल और एक एजिलिटी होती है, एक एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल उस पर कभी फर्क ना पड़े. जैसे इसी कमर की दिक्कत थी, तो अभी पहले हमने जो एक्सरसाइज बताई हंसी को, पहले 10 दिन 15 दिन, बिल्कुल मैं अपने घुटने तक जा सकता था पहले, जी लेकिन अभी मैं ग्राउंड को इजीली टच भी कर सकता हूँ. जी हमने पहले इसकी बैक को, जब मैंने चेक किया इसकी बैक को, ऑल्दो ही वाज गोइंग टू फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑल, ऑल्सो बैक बहुत स्टिफ थी, और उसको पहले सॉफ्ट किया हम लोगों ने ताकि मसल्स का सपोर्ट मिला, क्योंकि बाद में डेवलप करना शुरू किया, तो एक हफ्ते में उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ, तो वी बोथ बिकेम मोटिवेटेड बिल्कुल बिल्कुल और यही आगे होता बढ़ना शुरू किया. तो आई लाइक टू क्लैरिफाई इट हियर कि मैं हसी को सिर्फ उसकी फिटनेस के लिए और उसकी स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करता हूँ, या उसकी जो बैक वगैरह के इश्यू है उनके लिए ट्रेन करता हूँ, या उसकी डाइट का ख्याल रखता हूँ. जो क्रिकेट की ट्रेनिंग है, जो उसके स्किल्स हैं क्रिकेट के, उनके लिए इनके कोच अलग हैं. उसमें एक मेरे जैसा पर्सनल ट्रेनर, उसका रोल फिटनेस के लेवल तक या स्ट्रेंथ के लेवल तक ही होता है. जो बैटिंग के ट्रिक्स हैं या जो उसके जो स्किल्स हैं उनके लिए दूसरे कोच हैं. तो राइट नाउ उनके लिए दूसरे कोच पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल एंड आई थिंक ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स व्हिच वी गॉट राइट नाउ. यस यस. और दूसरा हमारी डाइट है जो हसनैन की है, हाँ अभी डाइट ज्यादा सर डिस्क्लोज नहीं करना उसने ना, सीक्रेट्स ट्रेड एक्चुअली सीक्रेट. बट यस, वी एज वी शेयर एवरीथिंग विद यू ऑन दिस चैनल. तो मेरी डाइट भी बहुत सिंपल है. ऑब्वियसली मैं कार्ब्स लेता हूँ मंडे टू फ्राइडे जो मेरा शेड्यूल होता है उसमें कार्ब्स भी लेता हूँ, प्रोटीन भी लेता हूँ और अपने विटामिन्स भी पूरे रखता हूँ. लेकिन जब मैचेस आते हैं जैसे आपने बताया कि जब मैचेस आते हैं उसमें अपने कार्ब्स कट कर देता हूँ और उसमें मैं अपना दलिया ऐड कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ रोटी और राइस, यू नो. क्योंकि पूरा मैच खेलना हाँ होता है, तो तो ऐसे कार्ब्स होते हैं जो इसको 3-4 घंटे तक लगातार एनर्जी दे सकें. दूसरा कुछ डाइट में ऐसे चेंजेस की वजह से लाइट फील करे, ग्राउंड पे खड़ा होकर उबासियां ना बिल्कुल तो ले और ये बहुत फील्ड में, हेल्प किया. हाँ फील्ड में जंप करे तो पूरी एनर्जी रहे. तो जब इसकी अभी करेंटली हसी जो है वो 2 दिन वीकेंड्स के दिन उसके गेम्स होते हैं, उस दिन इसकी डाइट अलग होती है, तो और जो मंडे 5 दिन फ्राइडे जब ट्रेनिंग करता है स्ट्रेंथ की और स्किल्स वगैरह की, मंडे टू फ्राइडे वो अलग से उसके इसकी लिए डाइट होती है. होती है. बिल्कुल जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइस कि हमें कितनी चेंजेस करने पड़ते हैं. अगर मेरे पास कोई एक बॉडी बिल्डर होता है या कोई फिटनेस मॉडल होता, तो उसकी 1 महीने तक, 15 दिन तक मैं कुछ भी चेंज नहीं करता. यहाँ पर डेली डाइट चेंज होती है, बिल्कुल
डेली एज पर फिजिकल कंडीशन, एज पर लेवल ऑफ एक्टिविटी, या कोई पेन है बॉडी में या कहीं कुछ और है, उसके हिसाब से हम लोग इसके वर्कआउट शेड्यूल चेंज करते हैं, इसके मतलब ऑन द स्पॉट चीज चेंज करते हैं। और मतलब मेहनत कितनी ज्यादा है आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। बिल्कुल, एज अ ट्रेनर आई नो। कितने घंटे ट्रेन करते हैं बिल? हम कितने जिम में कितना करते हैं और ग्राउंड में कितना करते हैं? दो से हाँ, 2.5 hours at least हम जिम में करते हैं, कार्डियो और मैं तो बस इधर आ जाता हूँ, आप तो लगे रहते हैं माशाल्लाह, मुझे पुश करने आपकी वजह से ही इधर हूँ मैं आज। और ट्रेनिंग ग्राउंड में कितने टाइम होती है? ग्राउंड में 3 से 4 घंटे मेरी एटलीस्ट होती है। कैन यू बिलीव गाइस, सो दो घंटे भी लेता हूँ अपने आपको, मेरे साथ जिम में 2 घंटे ट्रेनिंग होती है इनकी, और अराउंड 4 hours इन द ग्राउंड, 6 hours अ डे। कैन यू बिलीव इट? बट यही डेडिकेशन है, यही हार्ड वर्क है जो एक कॉमन आदमी को या कॉमन ह्यूमन बीइंग को उठा के इस लेवल पे लेके आता है कि वो एक स्पोर्ट्समैन बनता है, एक टीम के लिए सिलेक्ट होता है, आगे अपने कंट्री के लिए सिलेक्ट होता है, आगे जाता है। और अभी से शुरुआत है, लाइक आई सी अ फ्यूचर स्टार इन हसी, और इसीलिए जब ये आया तो इतना चैलेंजिंग होते हुए मैंने कहा कि नहीं, आई विल हेल्प दिस गाय, एंड मैं जुड़ गया इसके साथ में। और एट दैट टाइम आई थॉट आई विल बी हेल्पिंग दिस गाय, but now I know, never know, in coming times he'll be the guy who will be, you know, shining our hard work, my efforts also exactly. in the times ahead. So ye bada acha tha experience raha, aur we are still working on it. Jaise jaise hasi ke updates aate rahenge, selection karte rahenge, to shayad dobara interview lene aayenge na. Bilkul sir, zor zor incha, wo bhi bahut jald aa jayega. Mera aim bhi yahi hai ki main एम यही है कि नेक्स्ट 2 to 3 years आई प्ले फॉर आयरलैंड, तो अभी मैं क्रिकेट आयरलैंड डोमेस्टिक टीम के लिए भी इधर खेल रहा हूँ, और मैं अपनी कंट्री के मतलब जो ए लेवल है उसके साथ ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। तो अभी डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, अगली इधर का सिलेक्शन होगा वो कंट्री की ए लेवल टीम के लिए होगा, उसके बाद ही विल स्टार्ट गोइंग ऑन इंटरनेशनल लेवल्स एंड ऑल। सो देखते रहिए, शायद टीवी पे देखें आपको थोड़ा जल्दी। खैर जो एक चीज और हसनैन, जो बहुत ज्यादा लोगों को यू नो क्वेश्चन होता है दिमाग में, या बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतनी जो सख्त ट्रेनिंग ले रहे हैं उसके साथ में, या उसमें आपके घर वाले का कितना रोल होता है, बिल्कुल कितना साथ देते हैं, क्योंकि एज आई नो इट्स नॉट ओनली मी, इट्स नॉट ओनली हिज ट्रेनर द कोच विच ही इज ट्रेनिंग हिम, घर वालों का रोल शायद हमसे भी ज्यादा होता है, दे ट्रेन। बिल्कुल सही बताएंगे कुछ ही, अम्मी कितना, अम्मी अगर अम्मी ना होती तो मैं शायद ही कर पाता, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना खुद अपने आप को कर पाता। जब अभी भी ट्रेनिंग से आता हूँ तो खाना तैयार हो रहा होता है मेरा, तो उसके खाने से पहले मैं अपना 1 घंटा पहले अपना प्रोटीन शेक लेता हूँ, और उसी टाइम पे जिस टाइम पे मैं चाहता हूँ उस टाइम पे खाना रेडी होता है। तो ऑब्वियसली जब अम्मी ना हो तो मैं तो कर नहीं सकता खुद, तो बिल्कुल अम्मी की एफर्ट्स भी अप्रिशिएट करनी चाहिए, और बिल्कुल उनका बहुत बड़ा रोल है। किसी भाई बहन का भी रोल है भाई का? ऑब्वियसली भाई बहुत मेरी हेल्प करता है वो, इनके बड़े भाई हैं, जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइस, उन्होंने काफी मतलब कि करीब 2.5 साल पहले 3 साल पहले इनको पुश करना शुरू किया, और उसकी मोटिवेशन थी जो मतलब ही स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द गेम, स्टार्टेड घर पे ट्रेन किया जाता था वो। बिल्कुल अभी भी वही मैं अभी भी जाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कोचिंग कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से मुझे कोचिंग नहीं मिल सकी डब्ल्यू में, जिधर मेरा मेन क्लब है उधर नहीं मिल सकी, तो ऑब्वियसली मेरे पास और कुछ भी नहीं था, तो मेरे भाई ने मुझे पुश किया, कहता नहीं मैं ही तुझे करूंगा, उसको इतना पता भी नहीं था, लेकिन उसने मतलब अपनी जान लगा के उसने सीखा, वो जो बॉलिंग आर्म करते हैं ना वो उसने सीखा अपना टाइम खुद सीखा। फिर आपको देखने दोस्तों कितनी ज्यादा मेहनत है, सिर्फ एक बंदा जो बनता है उसके पीछे कितने पिलर्स होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ के कितना सपोर्ट होता है। वो अभी तो सीजन स्टार्ट हो गया, सीजन से पहले वो पूरा दिन मेरे साथ ग्राउंड में स्पेंड करता था, मतलब 400-500 बॉल मुझ पे थ्रो करता था, और मैंने उसको फिर उसके बाद 3-4 घंटे उधर होते थे, 1 घंटा हमारा फील्डिंग का सेशन होता था, फिर हम थोड़ी ब्रेक लेते थे,
जब मैं अपना घर आके फिर क्योंकि मेरा पैशन ही यही है, तो मैं कभी कभार हफ्ते में मेरे 3 दिन ऐसे होते थे जब मैं 2 दिन ट्रेनिंग किया, 2 दिन में 2 मरतबा ट्रेनिंग किया था। I have seen हाँ you and I have seen him those times. और जब हसी मेरे पास आया था उस टाइम कोविड लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस थी बहुत ज्यादा बिल्कुल और जिम्स जी खुले हुए भी सही नहीं थे. यू विल नॉट बिलीव, हमारे पास हमने जब ट्रेनिंग शुरू की थी क्योंकि कमर में बहुत दर्द था, सिर्फ डंबल्स से, बहुत लाइट वेट के डंबल्स, 4-4 किलो के डंबल्स थे और बैंड जो है रेजिस्टेंस बैंड है उनसे बिल्कुल ट्रेनिंग शुरू की थी हमने और बॉडी वेट से. बिल्कुल और मतलब आज जिम खुल गए हैं तो हम लोग पूरी मेहनत करते हैं. कुछ वर्कआउट के वीडियो जरूर डालूंगा हसनैन के मैं इसके अंदर और कुछ चीज जरूर डालूंगा आपके देखने के लिए. तो दोस्तों कोई और स्पेशल मैसेज यंगस्टर्स के लिए जो अपकमिंग है उनके लिए keep क्या है? working hard as I said, don't give up. There will be times and when you feel you're falling down, but keep yourself up and keep working hard. आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार अभी नहीं कर पाऊंगा। 1-2 महीने जब आप करते हो फिर आपको लगता है आप ऊपर जाते हो, लेकिन एकदम से आप जब नीचे गिरते हो फिर आपको लगता है नहीं, दैट्स द टाइम। वो आप हीरो उस वक्त बनते हो जब आप अपने आप को नीचे से ऊपर उठाते हो। तो ये आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से स्टेजेस आएंगे कि आपको लगेगा नहीं यार अभी नहीं, लेकिन आपको करना है। लोग भी यही बोलेंगे मुझे, लोग अभी अभी तक जब मैं 3-4 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मुझे लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, नहीं यार तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। शायद वो भी भले भले के लिए कह रहे थे, लेकिन उनको नहीं था ऑब्वियसली लगता, लेकिन ये चीज ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि क्योंकि वो कहते थे कि तुम नहीं कर पाओगे कभी ना, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो। ऑब्वियसली मैं स्टडी पे भी ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मेरा पहला पैशन और मेरा ड्रीम क्रिकेट ही है, तो इसके लिए मैंने हार्ड वर्क करता करता गया करता गया। अब आज वही लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जी तो गिव अप नहीं करना, कीप वर्किंग हार्ड। That's all I would say. वेरी वेल सेड. तो दोस्तों एक बहुत छोटी सी लाइन में लास्ट में बोले कि नेवर गिव अप, दैट्स द That's right. एटीट्यूड यू नीड एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड. जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, डिस्करेज करते हैं, बाद में वही आपके बिल्कुल फैंस बन जाते हैं. तो बिल्कुल ये एक छोटी सी मुलाकात थी हमारी हंसी के साथ में. बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत और जल्द वापस भी दोबारा भी होगी। जी, देखिए अब आपने प्रॉमिस कर रहा है तो मेरे पास ऑन द वीडियो है बिल्कुल रिकॉर्ड. जी तो एक छोटी सी मुलाकात थी जस्ट टू शो की आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है या कितने स्पेसिफिक चीजें होती हैं जिन पे काम करना पड़ता है. साथ ही साथ मेरे जैसे लोग जो ट्रेनर हैं या जो लोगों को उनके गोल्स समझ के उनकी हेल्प करते हैं, हम लोग सिर्फ हेल्प करते हैं, कितनी मेहनत इंडिविजुअल खुद की लगती है. हम लोग सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं लेकिन सारी मेहनत बिल्कुल, बंदे की होती है और हम लोग सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं या कुछ लेकिन कर सर सकते आप हैं. जैसा ट्रेनर भी चाहिए फिर ऑब्वियसली, बहुत आप जैसे लोग भी बहुत कम मिलते हैं इधर नो आई एम तो। जस्ट हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं. एनीवेज दिस इज अबाउट हिम नॉट अबाउट मी. It is So, about him as well. If he yeah. wasn't, I would have been here either. Thanks for the kind words and I'm really happy जो हमने काफी तरक्की की है, प्रोग्रेस की है हंसी के साथ. और देखें मेरी सारी जो गुड विशेस हैं वो साथ में हैं इसके, ताकि ये थैंक आगे यू बढ़े मच। और बिल्कुल अपने जो ख्वाब हैं उनको अचीव करें. बिल्कुल एंड नॉट ओनली विद हिम, एनी यंगस्टर आई ऑलवेज मोटिवेट देम. मुझे उनको देख के बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि और खुद लगता है कि मतलब कि इनके अंदर कितनी एनर्जी है या कितना पैशन है और इनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये लोग अपने ड्रीम्स उनको अचीव कर बिल्कुल। सकें. और एक एक बात मैं पेरेंट्स के लिए भी कहूंगा कि जो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं जिधर उनका दिल नहीं लग रहा होता जिस काम में, हमारी स्पेशली एशियन कल्चर में यही है कि डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है, ये करना है वो करना है, लेकिन अपने बच्चों को उधर नहीं जाने देते, उनके पैशन की तरफ नहीं जाने देते। और अक्सर ये स्पोर्ट्स में ही होता है कि उनको बिल्कुल लगता है कि वो नहीं कर पाएगा क्यों ना, टाइम खराब हाँ कर रहे क्यों हो टाइम हम. खराब कर रहे हो अपने हाँ
फ्यूचर पे और किसी एक के सेफ सेफ पॉइंट लेके चलते हैं। खैर मैं नहीं मानता कि उनका सोचना भी गलत है, दे ऑलवेज वांट देयर किड्स टू बी एट अ सेफ एंड यस एग्जैक्टली बट हाँ लेकिन उसमें फिर वो उनका पैशन तो नहीं होता ना वो और बहुत सारे बच्चे वो बच्चे नहीं कर पाते Anyways, बहुत अच्छी मुलाकात थी और बहुत precise और बहुत concise मैसेज दिए हैं हसीने हमको, बहुत मोटिवेटिंग थे और ऐसे बहुत सारे और इंटरव्यूज भी आने वाले हैं आने वाले टाइम में। और अगर आप मेरे को देख रहे हैं और आप भी ऐसा कुछ अचीवर हैं या आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप चाहते हैं ऐसा कोई अचीवर है या कोई बनने वाला है या बन सकता है एंड ही नीड्स माई हेल्प एंड माई गाइडेंस, डू लेट मी नो। माई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ ऑल ऑफ माई वीडियोज एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम। और हम इन पे वो पिक्चर्स भी डाल सकते हैं जो मैंने डिफरेंस आपसे जब ट्रेनिंग लेने शुरू की और That's so kind of him, yes. तीन महीने पहले चार महीने पहले की और अब की और चार महीने पहले की और अब की वो दो पिक्चर्स हम भी डालेंगे तो लोग देख सकेंगे कि बिल्कुल शेयर करते हैं वो पिक्चर्स हम लोग के तीन महीने पहले हंसी क्या थी कैसे ट्रेन कर रहा है और वीडियोस में पर कुछ इसके हैं जो मैंने शूट कर लिए हैं चोरी छुपे तो वो वीडियोज डालूंगा कुछ ट्रेनिंग के हैं बहुत ज्यादा डालूंगा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा आप लोगों के लिए बट यस बहुत मेहनत की है हसन ने अपने ऊपर और रिजल्ट आज हमारे सामने है और आप देखते रहिए चैनल को, इस पे काफी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा बिल्कुल लाइक कीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मोइन भाई की वेबसाइट भी आ रही है अभी जी। तो पता नहीं आपने लोगों को बताया कि नहीं बताया लेकिन अब तुमने अनाउंस कर दिया था बताया नेक्स्ट मंथ बाय मिड ऑफ जुलाई माय वेबसाइट विल आल्सो बी कमिंग बाय द नेम ऑफ moinsfitness.com वी आर वर्किंग ऑन इट सो दैट जो लोग मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं जो मेरे बारे में और जानना चाहते हैं मेरे जो प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट गोल्स के लिए उसके बारे में जान सकते हैं तो उसके बारे में जब अनाउंस हो जाएगी या जब लॉन्च हो जाएगी तो बिल्कुल मैं आपसे शेयर करूंगा तो तब तक आप देखते रहिए चैनल को एंड फील द पावर फील द पावर।